पीस ऑफ केक। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या होगा, तो मैं भी मोस्ट ऑफ़ यू यही कहें कि इसका मतलब होगा केक का टुकड़ा। हालांकि ये भी मीनिंग सही है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये एक फ्रेज़ भी है और फ्रेज़ में इसकी मीनिंग टोटली डिफरेंट है। अब इसकी मीनिंग क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई काम हमारे लिए बहुत आसान होता है तो हम कहते हैं ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है, और इंग्लिश में हम कहेंगे दिस टास्क और दिस वर्क इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यानी ये काम मेरे लिए केक का टुकड़ा नहीं, ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और मज़ीद वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।